जिसने भाई अभी तक अच्छे तरीके से मेरी वीडियोज को फॉलो किया होगा, जो बायजूस MCL की अभी तक मैंने 8 मैचेस की वीडियो बनाई है, तो मेरी वीडियोज को अच्छे से फॉलो किया होगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन कर रखा होगा तो उसने भाई इन 8 मैचेस में काफी अच्छे पैसे कमाए होंगे। और जो भी भाई पहली बार आए हो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर मैच की फाइनल टीम आपको मैं सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ, और फाइनल टीम वही आपको प्रोवाइड करवाता हूँ जिसके साथ मैं खुद जाता हूँ, खुद जिस टीम के साथ मैं खेलता हूँ, मैं खुद जिस टीम के साथ पैसे लगाता हूँ। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM फैंटेसी एक्सपर्ट पर। यहाँ पर अगर बात करें बायजूस MCL T20 लीग के 9वें मैच की और आज के दिन के पहले मैच की, जो कि खेला जाएगा RVCC वर्सेज LCC के बीच में, तो दोनों ही टीम्स की यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं लेके फिर से आ गया हूँ आपके लिए। तो वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लेते हो ना, तो भाई इजिली आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी विनिंग यहाँ से करके जाने वाले हो। वहीं अगर बात करें यहाँ पर टाइमिंग की, तो आप देख सकते हो 9 बजे मैच खेला जाएगा। अभी 7:40 हो चुके हैं, यानी कि आपको वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा लेट मिल रही है। मैं मतलब मॉर्निंग में आज जल्दी नहीं उठ पाया, उसके लिए सॉरी भाई। लेकिन भाई आप जब भी आपको वीडियो मिले वीडियो कंप्लीट देख लेनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो मिस करोगे ना तो आप बहुत कुछ मिस करोगे। वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, और जो भी भाई पहली बार आए हो ना, एक काम आपको जरूर करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? क्योंकि विदाउट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखो यहाँ से अगर वेन्यू की बात करें ना, तो वेन्यू ही भाई यहाँ पर अपने आप में एक मिस्ट्री बना हुआ है यहाँ की, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई टेलीग्राम चैनल की अच्छे से बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें टेलीग्राम चैनल की, तो या तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPM321। आपको सिंपली इतना ही सर्च करना है @KPM321 और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अब मैं आपको सर्च करके भी यहाँ से दिखा देता हूँ। सिंपली आपको जाना है टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आपको सर्च के आइकन पर क्लिक कर @KPM3 लिखते हैं आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा पूरा ही यूजर नेम डालिए, ताकि आपको सिर्फ एक ही चैनल दिखे और आप कन्फ्यूज ना रहो। और यहाँ पर भाई इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर वेन्यू के बारे में। तो सुआका क्रिकेट क्लब मिजोरम इंडिया में मैच होने वाले हैं, और पूरा लीग मतलब पूरी लीग यहीं पे खेली जाएगी। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भाई दोनों टीम्स ने अपना एक एक मैच विन किया है। वहीं RVCC की बात करें तो भाई वो अपना एक मैच हार के आ रही, जबकि भाई LCC का मैच एक मैच था वो नो रिजल्ट में एंड हुआ था। वहीं अगर बात करें पिच की, तो भाई यहाँ पर पिच जो भी है ना वो बैलेंस्ड आपको नजर आएगी। जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी ना, वो भाई पहले आपको बैटिंग करती नजर आएगी, क्योंकि से थोड़ी सी स्लो है, तो भाई उस कंडीशन में सेकंड इनिंग में बैटिंग करना उतना ही मुश्किल है, मतलब जितना मतलब ये मान लो कि एक तरह से बहुत बड़े टारगेट का पीछा करना हो। 130 का टारगेट, 140 का टारगेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इस पिच पर सेकंड इनिंग में, क्योंकि भाई पिच स्लो ही इतनी है। वहीं अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो 120 से 140 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वेदर की बात करें तो भाई पार्सली क्लाउडी और बारिश के चांसेस 30% भी नहीं है भाई आज, तो यहाँ पर मैंने मतलब ये पहले से लिखा हुआ था 30% भी नहीं आज भाई वेदर, मैंने अभी चेक किया जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो भाई बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो देखिए भाई टॉस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस के बाद जो फाइनल टीम है ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं टॉस का रोल आप देख लीजिए। 8 मैच खेले गए, 6 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग फर्स्ट करना ही क्यों पसंद करेगी। और अगर आप भी मान लो कि इस मैच में पैसे लगा रहे हो ना, तो भाई टॉस की अपडेट जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद ही फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करे उसके फेवर में आप अपनी टीम थोड़ी सी बना सकते हो। काफी सारे लोग आपके ओपोनेंट 80 से 90% ओपोनेंट ऐसे आएंगे जो सिर्फ भाई टीम लेंगे और टीम लगा देंगे, ये नहीं देखेंगे मतलब कहीं से भी टीम उठाएंगे और लगा देंगे, या फिर खुद टीम बनाएंगे और लगा देंगे, ये मतलब जो वेन्यू के रिकॉर्ड्स वगैरह है इन चीजों पर भाई ध्यान नहीं देंगे, और यहीं से भाई आप में और उनमें डिफरेंस हो जाएगा और एक तरफा विनिंग आपकी हो जाएगी। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम के बारे में। लेकिन उससे पहले भाई दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस चेकआउट करना बनता है। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले LCC के लास्ट मैच की, तो BSCC को लास्ट मैच में LCC की टीम हरा के आ रही है। यहाँ पर अगर इनकी बैटिंग की बात करें, तो अभय जोशी ने भाई यहाँ पर 21 रन बनाए। इसके अलावा भाई यहाँ पर
एच लाल लाल बिया खलुआ विकेट कीपिंग कर रहे थे, इन्होंने भाई 7 रन बनाए। इसके अलावा भाई अगर बात करें यहाँ से तो जी लाल भाई कवेला 45 रन बनाए 38 बॉल पर, और भाई मैन ऑफ द मैच भी यही रहे थे। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 100% आपको अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए। अब अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो भाई बॉलिंग में आप यहाँ पर देखिए 4 ओवर डाले भाई जी लाल बिया कवेला ने, तो भाई यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, 4 ओवर में 2 विकेट भी निकाले। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो भाई बैटिंग में भी आप देख सकते हो इसी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और 4 ओवर की कंप्लीट गेंदबाजी भी आपको करता नजर आ रहा है। ठीक है, अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं जो लाल रैम पुए हैं, इनकी अगर बात करें 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा ये जो एल खियांगते हैं, इन्होंने 3 ओवर में 1 विकेट निकाला। बी लाल लून फेला की बात करें तो 3.2 ओवर में भाई इन्होंने 3 विकेट निकाले। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भाई किसी ने कुछ और खास किया नहीं। और अगर बॉलिंग की बात करें तो भाई 3 ओवर डाले थे यहाँ पर ऊपर से लाल रैम छन्ना ने। इसके अलावा थोड़ा नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर भाई ये तो 1-1 ओवर इनका, तो पता नहीं भाई अगले मैच में ओवर भी मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब मैं यही मान लो कि यही 5 गेंदबाज आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, जिनमें से इंपॉर्टेंट कौन है भाई, जी लाल सवाई के वेला, इसके अलावा भाई लाल रैम पुइया, और नीचे अगर आप आओगे तो भाई बी लाल नून फेला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं जो सामने की टीम है RVCC की टीम। RVCC की टीम भाई लास्ट मैच बुरे तरीके से हार के आ रही है, बैटिंग भाई पूरे तरीके से फ्लोप रही। यहाँ पर अगर बात करें ओपनिंग की तो जोहान लाल बिया कीमा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 12 रन बनाए। इसके अलावा भाई बात करें यहाँ पर सी वनलाल रुइया इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 रन बनाए। इसके अलावा नीचे से आप एल राल्टे को ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा भाई नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर आर राल्टे को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें जोरिन पुया हर्षल, तो 16 रन इन्होंने बनाए, मतलब किसी ने भी कुछ खास नहीं बनाया और सारी टीम सिर्फ 57 रन पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं इनकी बॉलिंग की बात करें तो भाई इस मैच में इनकी बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा खराब नजर आई। यहाँ पर अगर बात करें तो 4 ओवर में 2 विकेट निकाले वन लाल था फाकिमा ने। इसके अलावा यहाँ पर 1 विकेट निकाला लाल रिन फेला जेडंग ने। इसके अलावा किसी ने कुछ यहाँ पर खास किया नहीं था। बाकी 4-4 ओवर की बात करें तो भाई 4 ओवर यहाँ पर डाले हैं जो रैम रुआदिकता राल्टे हैं, इन्होंने 4 ओवर डाले। इसके अलावा भाई अगर बात करें तो यहाँ पर जोहान लाल बिया कीमा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओपनिंग भी कर रहा है और भाई 4 ओवर की गेंदबाजी भी कर रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक रहने वाला। इसके अलावा भाई बात करें आपसे लालतान माविया की, तो 4 ओवर में विकेट लेस ये रहे थे। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की, लेकिन उससे पहले भाई एक चीज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा भाई, टेलीग्राम चैनल मिस मत कर दीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी। टॉस की अपडेट आने के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद मैं आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहां से आपको डायरेक्ट सर्च करना है तो आपको क्या करना है, @KPM321 सिंपली आपको इतना लिखना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और यहां से भाई आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए भाई यहां से बात कर लेते हैं डेमो टीम के बारे में। अभी आप देख सकते हो सिर्फ भाई यहां पर 1 घंटा 15 मिनट बचे हुए हैं, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लीजिएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन में भाई यहां से बात करेंगे तो यहां पर भाई आपके लिए सी वन लाल रुइया इंपॉर्टेंट रहेंगे, आर राल्टे को आप ट्राई कर सकते हो बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। इसके अलावा भाई एच लाल बिया खलुआ को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूं। बात करें अगर बैटिंग सेक्शन की तो यहां से भाई आप जे लाल बिया कीमा को अपनी टीम में रख लीजिए। इसके अलावा भाई वन लाल था कीमा को आप अपनी टीम में रख लीजिए। नीचे अगर आप आओगे तो भाई यहाँ पर आपके लिए अभय जोशी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओपनिंग कर रहा है लगातार अच्छी परफॉर्मेंस भी, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छी दे रहा है और बिल्कुल खराब ही दे रहा है। तो अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो आप ड्रॉप भी करके चल सकते हो। अभी के लिए भाई मैं यहाँ से अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ काफी का भाई, वो 1 मिनट भाई जेड अर्शेल को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। टॉप ऑर्डर में भाई बैटिंग करता आपको नजर आएगा। वहीं अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ पर भाई जे लाल धन कुमा को अपनी टीम में रखेंगे। इसके अलावा भाई जी लाल बिया कवेला को अपनी टीम में रखूंगा, बी लाल नून फेला को अपनी टीम में रखूंगा। इसके अलावा भाई यहाँ से और कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर LL की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से है, तो आप यहाँ से भाई अब ट्राई कर सकते हो, क्या नाम भाई इसका पूरा, लाल रैम पुइया एल को आप अपनी टीम में ट्राई यहाँ से कर सकते हो। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो भाई यहाँ से एल खियांगते आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बी लाल थे माविया इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन भाई लाल री छन्ना के साथ मैं ज़्यादा पहले जाना पसंद, एल जेडंग हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ऊपर से भाई आप ट्राई कर सकते हो यहाँ से किसको,
भी लालथन माविया को। अगर भाई इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो भाई आप इन्हें ट्राई कर लीजिएगा, अगर पहले बॉलिंग करे तो आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हो, सिंपली मैंने आपको बता दिया है। सी वी सी की यहाँ से बात करें तो भाई जी लाल भैया अकेले आपके लिए कैप्टन रहेंगे। वी सी की अगर बात करें तो वी सी के भाई 2 से 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ से रहने वाला है। बी लाल लालून फेला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर थोड़ा नीचे चलोगे तो भाई एल जेडंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा थोड़ा ऊपर चलोगे तो भाई यहाँ से वन लाल थाम फार्म की माग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी के लिए ना मैं यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंशियल जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से भाई अपने टीम में एल जेडंग के साथ वी सी के साथ जा रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो ऐसे बी लाल नून फेला के साथ जा सकते हो, ऊपर अगर जाएंगे तो भाई वन लाल था फार्म की माँ के साथ जा सकते हो। इसके अलावा थोड़ा नीचे आओगे तो भाई यहाँ पर आप जे लाल थन खुमवा के साथ जा सकते हो, बट अभी के लिए मैं जा रहा हूँ एल जेडंग के साथ। फाइनल टीम में अगर कुछ भी चेंजमेंट होता है ना तो उसकी अपडेट मैं आपको डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अभी के लिए अगर टीम की बात करें तो वो आपके सामने है, बाकी अगर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी पूरी पूरी अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।